जिसकी व्यक्तता है उस स्वभाव की शक्ति की आंतरिक व्यक्तता। देखिएगा अब वो आंतरिक व्यक्तता है तो उस आंतरिक व्यक्तता की कमजोरी बता रहे हैं कि जो आंतरिक व्यक्तता है वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप अभी वर्तमान पर्याय में वह पांच इंद्रिय और मन के पराधीन है। क्या बताया? जो हमारी वर्तमान पर्याय की जानने रूप शक्ति विद्यमान है जिसको बोलते हैं मति ज्ञान रूप शक्ति, शुद्ध ज्ञान रूप शक्ति, ठीक है, जो विद्यमान है किसकी पर्याय की उसकी क्या पराधीनता है? तो यहां बताया प्रोफेसर ने कि वह मति ज्ञान पांच इंद्री और मन के पराधीन है, मतलब उनकी सहायता से जाने। बात कर रहे हैं क्या है जिसकी जो ज्ञान अभी व्यक्त है वह कितना कमजोर है, कितना पराधीन है? वो बताया क्या कि वो ज्ञान स्वभाव को इसका है केवल ज्ञान को, स्वभाव को किसको देता है इसका केवल ज्ञान को, और अभी उस स्वभाव की आंतरिक व्यक्तता है अरे उसे केवल ज्ञान है, तो स्वभाव की आंतरिक व्यक्तता मतलब जो ज्ञान इतनी पावर की स्वभाव वाला इसके पास दे देते हैं बना, लेकिन पर्याय में ये सीमित ज्ञान रखता है। पर्याय में क्या जान सकता है? सीमित ज्ञान रखता है। अच्छा सीमित को जानता है लेकिन कहते हैं कि वो मतलब पराधीन रूप अरे मति ज्ञान इंद्रियों के पराधीन, ऐसा पहले बताया। क्या बताया? कि जो मति ज्ञान है वो क्या है? पांच इंद्रियों के पराधीन, मन के पराधीन, पराधीन मतलब उनकी सहायता से जानता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर बताया कि ये बाहरी सामग्री के भी पराधीन। दूसरे स्तर से क्या बताया हो गया? यदि पांच अगर आंख से जानता है ठीक है लेकिन उजाला हम लोग जानता है तो वो भी बाहरी से भी उनके भी पराधीन है। बोलता ज्ञान जो भी मति ज्ञान जो इंद्र इंद्री के द्वारा जानने का कार्य करता है उसकी पराधीन का बताया। इतनी बात होने के बाद एक प्रश्न जो खड़ा था वो जबरदस्त प्रश्न ये खड़ा था कि हमारी पर्याय में सीमित शक्ति अभी प्रकट है, मति ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान रूप सीमित शक्ति प्रकट है, तो जो शक्ति मेरी पर्याय में अभी वर्तमान में प्रकट है मैं पूरी की पूरी उस शक्ति का एक साथ उपयोग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? प्रश्न तो ये आई बात प्रश्न क्या है मेरा आपका? अभी मेरे स्वभाव की शक्ति तो वो है स्वीकार वो चलो छोड़ो, अभी पर्याय की जो शक्ति है मेरी प्रकट है वर्तमान में विद्यमान में है, लेकिन उस पर्याय की शक्ति का पूरा भले ही जो सीमित शक्ति है मैं पूरा का पूरा उपयोग एक साथ एक समय में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो टोटल उसकी पराधीनता यहाँ बता रहे हैं कि भाई तेरे इस शक्ति का परिणाम कार्य एक समय में एक ही जगह जाएगा बाकी नहीं जाएगा। शक्ति है भाई आज प्रकरण आगे ये जो उपयोग है उपयोग ये पर्याय का परिणाम है। परिणाम को पर्याय को ही कहते हैं लेकिन उपयोग तो एक ही छोड़ रहा है ना कि यहाँ पर्याय की शक्ति के बाद उसका एक काल में एक ही कर्म जानना होता है ना। ये कहकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो पर्याय की वर्तमान शक्ति विद्यमान है उसमें भी जितनी शक्ति भले ही रूप से विद्यमान है सबका ज्ञान एक साथ नहीं होता। ये बताना है। क्या बताना है आपके भरोसे विचार को आप बात करने आ रही नहीं आ रही? पहले तो ये बताया कि आपके जन्म की शक्ति ठीक है उसकी तो व्यक्ति नहीं है, पर्याय में जो व्यक्ति है ठीक है वो जो मति शुद्ध ज्ञान है ये व्यक्ति
स्वभाव आपका जो है वो केवल ज्ञानमय है, ठीक है। इसकी व्यक्तित्व अभी वर्तमान में इतनी है पर्याय, ये बात सीमित है, इसकी पर्याय है सीमित है ना। और इसकी शक्ति ये तो अगर पहले पहले पहली पंक्ति में यहां से बात कर रही थी, अब ये जो तो मतित्व ज्ञान है इसको पहले बताया कि पराधीन है, पराधीन है। उसका मतलब ये जानने का काम करता तो अपने से अपनी ताकत है, लेकिन जब भी ये जानने का काम करेगा तो इसको पांच इंद्रियों और मन की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। इसकी पराधीनता बता दी, किस ज्ञान की जो व्यक्त ज्ञान अभी हमारी पर्याय में है उसकी पराधीनता बता दी, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि चलो ये पराधी है ना, पांच इंद्रियों और मन से जाने और मेरे पास सक्रिय जाने, ठीक है, तो मैं एक साथ सभी को सक्रिय सभी को जान सकता हूं कि नहीं जान सकता हूं, तब अब वो बात कहेंगे नहीं, इसका परिणाम जो पर्याय वो उपयोग रूप एक काल में एक ही तरह होगा। बात समझ में आ रही है, जो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या क्या विषय चल रहा है आपको बात समझ में आ रही है, छोटे बच्चे का क्या ये जाना वर्ण और दर्जा वर्ण का छह उत्तर, तो छह उत्तर से तो ये बात ज्ञान हो गई कि मतियान और सुज्ञान रूप अभी मेरी शक्ति है पर्याय की, ओके ठीक है। और ये जो शक्ति है ये बड़ी कमजोर है, ये भी बात हो गई, क्योंकि ये पांच इंद्रियों मन की सहायता से जान सकता है, मैंने जब भी जानने का काम करेगा तो इसको इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, ये भी बात हो गई। अच्छा, अब जितनी शक्ति अभी मेरी पर्याय में है और मैं पांच इंद्रियों मन की सहायता से उन सबका एक साथ उपयोग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो जो हमारी पर्याय है उसकी कितनी कमजोरी कितनी पराधीनता है, कठिन तो नहीं हो रहा है विषय, कठिन तो नहीं हो रहा है, यहां विषय बस इतना ही है। अपन ने जो धर्म प्रकरण की बात करी थी वो यहां प्रकरण का विषय नहीं, लेकिन क्योंकि उपयोग की चर्चा चल रही है तो धर्म प्रकरण के लिए शुद्ध उपयोग से धर्म प्रकट होता है, तो उपयोग जो अपन कह रहे हैं ना कि ये तो ज्ञान का परिमल, जो प्रकट ज्ञान है उसका परिमल है ना, उसके ज्ञान से व्यापार जिसको अपन उपयोग कह रहे हैं, और उस उपयोग का विषय यानी उसका व्यापार यदि शुद्ध है तो वो उपयोग कहलाता है शुद्ध उपयोग, और यदि वो उपयोग अशुद्ध में लगा हुआ है तो वो कहलाता है अशुद्ध उपयोग। अब उपयोग शुद्ध अशुद्ध किसके आधार से कह रहा है कि किसका व्यापार कर रहा है, उपयोग को शुभ का अशुभ का शुद्ध का किसके आधार से कहा, किसके आधार से कहा, किसका व्यापार है ना। अभी उपयोग को आइडेंटिफाई करके नहीं कह रहे, उपयोग को ज्ञान का परिणाम है वो अभी बताइए, उपयोग यदि शुभ में लगे तो वो शुभ उपयोग है, और उपयोग यदि अशुभ में लगे अशुभ उपयोग है।
Yeah.
ठीक है, इसका मतलब है कि वहां परखर लक्ष्य गया, लक्ष्य जा रहा है, ये एक टोकरी का राज्य विद्यमान है। अब ये तीस टोकरी के बचाए के रूप में चलती है, तो इसका भी अंदर में कोई लक्ष्य उठाकर चल रही है। उसका भी हम एक साल में उपयोग नहीं कर सकते, उसमें
क्या समझता है। यहां यहां से तो पर्याय की पराधीनता है, देखो पराधीनता समझ गए आप, द्रव्य की शक्ति पर्याय की शक्ति जो सीमित जानने का है उसमें भी एक काल में ये एक ही इतना से ही जान सकता है, ठीक है। ये हो गया उपयोग, ये पर्याय की शक्ति और द्रव्य की शक्ति वो है, ठीक है। ऐसा पता तो क्या कहना है, अध्यात्म में क्या समझना है, एक साथ हो रहा है ना, तो ये उसको याद
का बहुत है। क्या है बहुत? कि उपयोग की परतने की स्पीड, अभी परिणाम का उपयोग उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत स्पीड है, ठीक है। उससे किसी का हमें ऐसा मान लेता है, कौन मान लेता है? हाँ मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ कि मेरी यूजफल विषयों को जानता हूँ, कैसे अनेक विषयों को एक साथ जानता है, ऐसा मान लेता हूँ कि अभी मैंने जो आइसक्रीम खाई है तो मेरे ठंडे का, मीठे का, सुगंध का, सब का ज्ञान एक साथ है। मैं टीवी देखते समय भोजन का भी स्वाद ले लेता हूँ, सुनने में टीवी से जो आवाज आए सुन भी लेता हूँ और सामने जो देख रहे हैं उनको देख भी लेता हूँ, एक साथ है अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु
करता है।